किस जिद पर अड़ गए थे पंडित नेहरू, क्यों सुप्रीम कोर्ट में आया बगावत का दौर, जानिए सीजीआई से जुड़ा ये बेहतरीन किस्सा। आजादी के दौर में जस्टिस हीरालाल जे कानिया सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस बने थे। सिर्फ 2 साल हुए थे जस्टिस कानिया को सीजीआई बने, लेकिन 6 नवंबर 1991 को उनका असम में निधन हो गया। जस्टिस कानिया की अचानक मौत से सरकार के सामने सवाल खड़ा हो गया कि उनकी जगह अब कौन लेगा। अटॉर्नी जनरल सितलवाड़ ने पंडित नेहरू को बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चागला को सीजीआई बनाने का सुझाव दिया, जो सरकार के करीबी भी थे। जिसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया कि सुप्रीम कोर्ट में बगावत का सिलसिला शुरू हो गया। देश के सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ की किताब सुप्रीम विस्पर्स में लिखा है कि जस्टिस कानिया के निधन के बाद नए सीजीआई की नियुक्ति से जुड़े 3 वर्जन हैं। सबसे विश्वसनीय वर्जन यह है कि जब जस्टिस कानिया का निधन हुआ तो गृह मंत्री केएन काटजू ने सबसे पहले सीजीआई के पद तत्कालीन अटॉर्नी जनरल मोतीलाल सिंह सितलवाड़ को ऑफर किया। उस वक्त सितलवाड़ सुप्रीम कोर्ट जज के रिटायरमेंट जज की निर्धारित 65 साल की उम्र को पार कर चुके थे। अभिनव ने अपनी किताब में लिखा है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि सीजीआई के पद पर कोई मुस्लिम जज की नियुक्ति हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सभी जज इस्तीफे की जिद पर यह कहते हुए अड़े कि जस्टिस कानिया के बाद सबसे वरिष्ठतम जज को सीजीआई बनना चाहिए। उस वक्त जस्टिस पतंजलि शास्त्री सबसे सीनियर जज थे। ऐसी जानकारी मिलती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जस्टिस शास्त्री को पसंद नहीं करते थे। पूर्व जस्टिस ऑफ इंडिया रंगनाथ मिश्रा ने अमेरिकी स्कॉलर जॉर्ज एच गॉडबाइज जूनियर को एक दिए इंटरव्यू में कहा है, जिसमें उन्होंने बताया कि पंडित नेहरू जस्टिस शास्त्री को कमजोर जज समझते थे और उनकी इच्छा थी कि सीजीआई के पद पर उनकी बेटी जैसा ही कोई मजबूत शख्स बैठे। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज इस्तीफे की धमकी देने लगे तो पीएम नेहरू के पास कोई रास्ता नहीं बचा। आखिरकार जस्टिस पतंजलि शास्त्री को चीफ जस्टिस नियुक्त करना पड़ा। किताब में अभिनव चंद्रचूड़ बताते हैं कि जस्टिस कानिया की मौत के बाद सीजीआई की नियुक्ति से जुड़ा दूसरा वर्जन ये है कि जब जस्टिस कानिया की मौत हुई तो तीसरे सीनियर मोस्ट जज जस्टिस बी के मुखरेजा ने नए सीजीआई पद को ऑफर किया गया। अभिनव लिखते हैं कि पूर्व जस्टिस ऑफ इंडिया हिदायतुल्ला भी इसी वर्जन को सही मानते हैं। हालांकि जस्टिस मुखरेजा उस वक्त खुद अपने सीनियर को बाईपास कर सीजीआई बनने को तैयार नहीं हुए थे। तीसरे वर्जन के तौर पर अभिनव किताब में बताते हैं कि यह वर्जन पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीपी सिन्हा का है। बकौल सिन्हा, पंडित नेहरू इसलिए जस्टिस शास्त्री को सीजीआई नहीं बनाना चाहते थे क्योंकि उनका कार्यकाल 4 साल से भी कम का बचा था। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि जो भी सीजीआई बने उसका कार्यकाल मिनिमम 4 साल का हो। जस्टिस सिन्हा के अनुसार पंडित नेहरू का मन था कि ये सुप्रीम कोर्ट के चौथे सीनियर मोस्ट जज एसआर दास चीफ जस्टिस बने, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इस खबर में अभी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।